गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RNS एजुकेशन न्यूज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नर्स भर्ती 2018 ANM और GNM ऑनलाइन चॉइसेस। तो दोस्तों, ऑनलाइन चॉइसेस जो हैं उनकी डेट निकल चुकी है, 22 अप्रैल लास्ट डेट था उसको फिलअप करने का। लेकिन जो दो मौके मिलने के बाद भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी बच गए हैं जिनका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ या सबमिट हुआ तो उनके साथ बहुत बड़ी परेशानी है कि एक ही चॉइस भरी गई या फिर किसी के आईडी पासवर्ड ही नहीं पता चल पाया उन्होंने क्या लगाए थे जबकि उन्होंने लगाए भी नहीं। ऐसी समस्याएं हैं उनके कहे अनुसार। तो दोस्तों, उसी को लेकर के अपडेट है, क्या संशोधन का मौका मिलेगा और क्या संशोधन दिया जाना चाहिए, तो उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो अपडेट आया है मेरे पास उसी को लेकर के, तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिए, अच्छा लगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, ये जानकारी है, देखिए आप लोग, सीधी भर्ती 2018 को लेकर निदेशक मुकुल शर्मा से की मुलाकात। तो सीधी भर्ती ANM और GNM की यहाँ पे बात की जा रही है 2018 की, और उसी को लेकर के मुलाकात की गई है। दोस्तों, ये जो खबर है समाचार जगत नाम का एक समाचार पत्र है उसकी है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जयपुर से ये है, संघर्ष समिति ने सीधी भर्ती 2018 में नवनियुक्त नर्स ग्रेड द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ऑनलाइन ऑप्शन संबंधी समस्याओं को लेकर निदेशक मुकुल शर्मा अराजपत्रित चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और उनके समस्याओं के समाधान की भी मांग यहां पर रखी। सोम सिंह मीणा जी ने जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि नवनियुक्त यानी नर्सेज को, जो पोस्टेड नर्सेज हैं नवनियुक्त, ऑप्शन फॉर्म भरने के दौरान सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशन आईडी दिखाना जिससे फॉर्म नहीं भरे जाना, ऑप्शन फॉर्म भरने के दौरान सबमिट हो जाना, सबमिट के बाद प्रिंट आउट नहीं निकलना या खाली निकलना, बिना ऑप्शन भरे फार्म सबमिट हो जाना इत्यादि समस्याओं के चलते अच्छी वरीयता प्राप्त नर्सेज परेशान हैं। इस तरह की समस्याओं से परेशान कोरोना वॉरियर्स नर्सेज में भय व्याप्त है, ऐसे सभी नर्सेज को पुनः संशोधन के लिए अवसर यहाँ पर दिया जाए। इनका कहना है कि प्रिंट आउट नहीं निकलना, अपने आप फॉर्म सबमिट हो जाना और खाली प्रिंट निकल जाना, ये तरह तरह की समस्याएं हैं। तो इसमें दोस्तों एक चीज़, एक बात ये भी हुई है, बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनको भरना ही नहीं आया, उनकी वजह से भी ये परेशानी पैदा हुई है, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने 4-5 फॉर्म भरे थे, मुझे पता चला कि आप लोगों ने मिस्टेक भी कहाँ की, तो कुछ तो आपकी गलती की वजह से हुआ है और कुछ उनका जो सर्वर था, जो लिंक था, वो उसकी वजह से भी हुआ है। निश्चित तौर पर इस पर संशोधन आपको दिया जाना चाहिए और हम भी इसके लिए मांग करते हैं कि संशोधन आप लोगों को दिया जाए। अब देखते हैं, इन्होंने मांग की है, ज्ञापन दिया है, इस पर क्या कुछ चिकित्सा विभाग अपडेट लेता है, क्या कुछ उस पर निर्देश देता है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।